मुख्तार अंसारी के आज जनाजे में अगर देखने की कोशिश करें तो बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में प्रशासन के रोकने के बावजूद भी प्रशासन ने सिर्फ और यही कहा था कि मोहम्मद बुदा और यूसुफपुर जो क्षेत्र है उन्हीं के लोग हैं इस जनाजे के अंदर शामिल होंगे। उसके बावजूद भी करीब 40 से 50 हज़ार लोगों की भारी भीड़ है यहाँ पर उमड़ने का है वो दावा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन के द्वारा रोका नहीं जाता तो अलग अलग क्षेत्र से पूरे गाजीपुर क्षेत्र से और पूर्वांचल क्षेत्र से बड़ी संख्या में है वो भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो माफिया मुख्तार अंसारी का शव देर रात बांदा गाजीपुर पहुंचा था। शनिवार यानी आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच महमूदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी और माँ बेगम राबिया खातून की कब्र के समीप ही खोदी गई है। मुख्तार के जनाजे में भारी संख्या में भीड़ उमड़े। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की है वो अनुमति दी गई। लोग कब्रिस्तान के बाहर जुट गए। कुछ ही देर में हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्तार के परिवार को ही बीच आना पड़ा। बताने की कोशिश करें तो आज 11 से 11:30 के बीच मुख्तार अंसारी का शव दफना दिया गया है। मुख्तार अंसारी का शव उनके कब्रिस्तान यूसुफपुर के खाक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। मुख्तार के सौजन में उनके बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी, पूर्व विधायक सिबुतुल्ला अंसारी, भतीजे महमूदाबाद विधायक सुहेब अंसारी, बेटा उमर अंसारी सहित सभी ने मुख्तार के कब्र पर मिट्टी देकर अंतिम यात्रा की। इस दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही। जिला अधिकारी के तौर पर आर्यका खोरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पुलिस के इस मद्देनजर एक तरीके से आवश्यक दिशा निर्देश है वो समय समय पर देते नजर आए। कुल मिलाकर बात साफ है कि अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आज मुख्तार अंसारी के जनाजे के अंदर करीब 40 से 50 हज़ार के लोग है वो भीड़ उमड़ी, जबकि प्रशासन ने केवल मात्र महमूदाबाद और यूसुफपुर क्षेत्र के लोगों को ही आने दिया। अगर पूरे गाजीपुर से अगर लोग आते तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी। इसी के चलते प्रशासन ने यहाँ पर आपको बता दें कि केवल लोगों से यही अपील की कि यहाँ के आसपास के स्थानीय लोग ही आए जाए। वहीं कब्रिस्तान में केवल परिवार के चंद लोगों को ही अंदर जाने का मौका दिया गया।